सर अगला मेरा एक क्वेश्चन है कि टाइमिंग से रिलेटेड, कि सर आपकी टाइमिंग क्या कुछ है, मतलब हॉस्पिटल की एट प्रेजेंट क्या है, और आगे जैसे मतलब आगे का तो जैसे टाइम के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइमिंग क्या है, जैसे टाइमिंग क्या कुछ आपकी, जैसे आप देखते हो पेशेंट को। हमारी जो टाइमिंग है, हमारी टाइमिंग सुबह 9 से लेके दोपहर के 1 बजे तक, फिर उसके बाद इवनिंग में 4 to 6। बट अगर कोई पेशेंट दूर से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, आउट ऑफ स्टेट आ रहा है, उसके लिए 24 आवर्स हमारा हॉस्पिटल खुला है, बिल्कुल ओपन है। एनी टाइम वो पेशेंट हमारे पास आ सकता है। हमारे यहाँ वार्ड है, वार्ड में बेड लगे हुए हैं, बेड पे आके हमारे रेस्ट कर लेते हैं पेशेंट, सुबह हम उनको मॉर्निंग में चेक कर लेते हैं। ओके सर। तो सर कोई इतनी दूर से आ रहा है तो उनको मतलब एक दिन रुकना भी पड़ता है, मैं खुद जैसे आता हूँ तो एक दिन रुकना पड़ता है, तो जैसे उनको पहले से तैयार होके आएगा इसके बारे में मैंने बताई दिया है एक दिन रुकने का, जैसे कि आप तैयार हो गया एक दिन रुकोगे आप। उसके लिए हमारे पास ये फैसिलिटीज है ना, हमारे पास नीचे हॉस्पिटल है, पूरे वार्ड है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम है, तो हमारे पास पूरा स्टाफ अवेलेबल है। नाइट के लिए अलग स्टाफ है, मॉर्निंग के लिए अलग स्टाफ है, आफ्टरनून के लिए अलग स्टाफ है। तो जो हमारी स्टीम थेरेपीज होती हैं, जो ऑयल्स थेरेपीज होती हैं, जो वाइब्रेशन थेरेपीज होती हैं, उसके लिए प्रॉपर हमने अपना स्टाफ रखा हुआ है। जैसे पेशेंट की किसी की गाड़ी 8 बजे आ रही है, किसी की 7 बजे आ रही है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, अलग अलग टाइमिंग है। तो पेशेंट को डॉक्टर के हिसाब की टाइमिंग के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट नहीं चलता, हमारा 24 आवर्स का ट्रीटमेंट है। जिस पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा स्टाफ नहीं अवेलेबल, उसको हम मॉर्निंग में थेरेपी शुरू करवा देते हैं। जो पेशेंट टाइम पे आ जाता है, 7 बजे आ जाता है, 8 बजे, तो हम उस इवनिंग में शुरू करवा देते हैं, नेक्स्ट डे उसको रिलीव कर देते हैं। जबकि यहाँ हमारी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9 to 24 आवर्स तक चलती है। ओके सर। सर वर्किंग डेज का क्या कुछ है, क्या मतलब हफ्ते पूरे हफ्ते ही सर्विस होगी या फिर कुछ छुट्टी भी रहती है बीच में? हमारा जो वर्किंग डेज है वो 7 डेज है, महीने में हमारी कोई छुट्टी नहीं है। ओके सर। हमारा ऑल टाइम चलता है हॉस्पिटल, हम संडे को कोई छुट्टी नहीं, 30 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं है संडे को, कोई वीकेंड पे छुट्टी नहीं है। ओके सर। सर एट प्रेजेंट इस इन फ्यूचर अगर चेंज करो तो अपडेट कर दोगे इस चीज के बारे में? अगर ये हम चेंज करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे हम अपडेट कर देंगे। हमारी जो वेबसाइट है www.chiragdinmalik.com। दूसरा जैसे आप अभी रिसेंटली आपको बताया है कि ये जो पेशेंट की टाइमिंग के बारे में बात हुई या जो पेशेंट आ रहे हैं, ये इस चीज के बारे में हम ज्यादा दे रहे हैं कि टाइमिंग का या हमारे पास पेशेंट का ना, तो जो इसके लिए ये सबसे बड़ी पेशेंट के लिए है कि सैटरडे संडे, जैसे मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट्स हैं वो कुछ सर्विस करते हैं, संडे को फ्री है, सैटरडे को फ्री है, तो मोस्टली सैटरडे संडे हमारे पास ज्यादा रश होता है। ओके ओके। वीक डे से ज्यादा सैटरडे संडे ज्यादा रश होता है, क्योंकि पेशेंट को आप जैसे सर्विस करने वाले हो, जो आपकी छुट्टी नहीं मिलती, तो उसके लिए हमारे पास खास प्रबंध है। जो जॉब करने वाले उसका ट्रीटमेंट के लिए हम सैटरडे संडे ओपन रखते हैं। ओके सर। और ऐसा कुछ नहीं कि जैसे डॉक्टर हमारे फादर साहब डॉक्टर हैं, ब्रदर डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो हमारे अगर मान लो कोई काम भी है, हमें कोई फंक्शन है, कुछ और है, तो हमारे में से एक ना एक अवेलेबल जरूर रहता है, एडजस्ट हो जाती है। ओके सर। सर एक है ना, आजकल ना फ्रॉड वालों का थोड़ा सा बहुत चल रहा है, कि जैसे कोई कुछ मैंने आया था जब मेरे को बता रहे थे कुछ, जैसे ना मतलब और जैसे सिटी उनमें कि चिराग दीन मलिक के नाम से खोल के बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमने वहां से सीख के आए हैं सर के पास और हमको सारी वो नॉलेज है, तो आप ये बता दो एट प्रेजेंट आपकी ब्रांच कौन सी कहाँ कहाँ है प्रेजेंट? हमारी जो ब्रांच है वो बठिंडा में ही है। हाँ सर। डॉक्टर चिराग सिंह मलिक, बठिंडा, हनुमान चौक, माता रानी गली, जस्ट हमारा बठिंडा में हॉस्पिटल है और हमारी कहीं भी ब्रांच नहीं है। बहुत से पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, भी आपका नाम लेते हैं लोग, भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ओनली बठिंडा में हम तीनों काम करते हैं, मेरे फादर साहब, हम दोनों ब्रदर, तीनों का हम हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम काम करते हैं और हमारा कहीं भी नहीं है। ओके सर। जैसे ये आपने कहा ना, कोई बोलते हैं कि देख के सीख के काम करना शुरू कर दिया, कोई पट्टी लगा दी या कोई प्लास्टर लगा दिया, तो इन चीजों से पेशेंट ठीक होने वाला नहीं। जो मेन मेन जो डायग्नोज है, जो डायग्नोज का ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट कैसे है, ट्रीटमेंट जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर चिरागदीन ने बताया कि उनको इस चीज को ठीक करने के लिए कम से कम 40-50 साल स्ट्रगल करनी पड़ी। बिल्कुल। क्योंकि इन मेडिसिन के बारे में जो नॉलेज प्रॉपर उनको है या जो नॉलेज उन्होंने हम दोनों को दी है इस ऑयल के बारे में या ये जड़ी बूटियों के बारे में, तो वो देख के, जैसे आप हमसे बात कर रहे हो कि वो आप नहीं ना सीख सकते इस चीज के बारे में, वो तो बेसिक नॉलेज इस हॉस्पिटल में ही है। वो जैसे उन्होंने बोला कि खानदानी काम है, तो फादर साहब है, फादर साहब हमारे बच्चे हैं, इसके बाद हमारे बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन शुरू होगी। जो मेन है, जो मेन इस डायग्नोस का जो ट्रीटमेंट है, वो इस ऑयल थेरेपी से है, ये जड़ी बूटियों से है। ये जो फ्रॉड बंदे बैठे हैं जो सीखते हैं, वो इन चीजों के बारे में, उनको इस चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि वो डॉक्टर चिराग दीन
बीकानेर में भी बैठे हैं, आगरा में भी बैठे हैं, मथुरा में भी बैठे हैं, काफी पेशेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट आती है, काफी पेशेंट हमें आके बोलते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन जब वो निराश हो जाते हैं कि हमें तो वहां कुछ भी नहीं मिला, हमसे तो पैसे ज्यादा ले लिए गए, हम बल्कि ठगी के शिकार हो गए, पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। आज ही मेरे पास पेशेंट आए थे और उनके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। हाँ सर। उन्होंने मुझे बताया कि पहले हम हातिम में गए, कोई हातिम में है, कहते हैं आपका कोई नाम ले रहा है, बट वहाँ पे भी बठिंडा से हम है, तो हमने बोला उनको कि हमारा कोई हातिम में पेशेंट हॉस्पिटल नहीं है, हमारे जो भी पेशेंट है वो हमारे बठिंडा में आते हैं, हम बठिंडा में इलाज करते हैं, हमारा वहाँ कोई भी नहीं है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सी सिटीज में हमारे नेम से लोग कर रहे हैं, और लोगों को अवेयर करना है, मैंने कि लोग अवेयर हो सके इस चीज से कि हमारा ओनली बठिंडा में है और हमारा कहीं भी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, जिससे लोगों का फायदा होगा। ओके सर। जब सर प्रेजेंट टाइम में जहां पर वीडियो बन रही है, अब तक एक ब्रांच है, इन फ्यूचर मान लो 2-3 साल में जब आपका मन करे कि हम और जगह ब्रांच खोलते हैं, तो फिर आप अपडेट कर देना। पेशेंट्स आते हैं गुड़गावा से, आगे हैं वो, बल्कि हमें ये बोलते हैं कि हम आपको यहाँ रूम भी देंगे, जगह भी देंगे, कोई हरियाणा से पलवल से आते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, हमें काफी ऑफर्स करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि जो ट्रीटमेंट हम यहाँ दे सकते हैं, जो हम अपने फादर साहब की गाइडेंस में दे सकते हैं, जिन जो ज्यादा नॉलेज उनको इन चीजों के बारे में है, हम उनसे सीख रहे हैं, सीखते हैं, काम कर रहे हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो ऐसा है कि इस जगह को वरदान है, बस इस जगह को वरदान है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर सर्जरी बता देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, तो हमें वो आके बोलते हैं सर हम सारा खर्चा करेंगे आपका, हम आपको हॉस्पिटल के लिए जगह देंगे, हम खुद हॉस्पिटल तैयार करके देंगे ताकि वहां के लोगों का हेल्प हो सके, बिल्कुल गरीब लोगों का इलाज हो सके, तो हमें बहुत फोर्स करते हैं लोग, बट हमें यहाँ से टाइम नहीं मिलता, हम वहां पे कैसे जाएं। जैसा कि मैंने बताया कि इस जगह को वरदान है। ओके सर। तो बस पेशेंट आया तो उसको एक तसल्ली सी हो जाती है कि मैं ठीक होके जाऊंगा। ओके सर। नहीं सर, आगे कुछ भी प्लान नहीं है कि और भी जगह तक, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से तो वो सब फ्यूचर के अभी कोई प्लान नहीं है, अगर प्लान हुआ तो अपडेट कर देंगे, यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे, वेबसाइट पर भी। ओके सर।